देश भर की निगाहें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 साल बाद होने जा रहे वर्ल्ड कप के मैच पर रहने वाली है। क्रिकेट के फैंस में मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैच को कैसे देखना है, कहां देखना है, इसको लेकर भी फैंस में काफी क्रेज है। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जब भी बड़े इवेंट होते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस उसको बड़े तत्परता के साथ लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम करती है, और इसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक एडवाइजरी इसलिए की है कि हम लोगों का सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि जब इस तरह का इवेंट होता है तो देखने में आया है कि गाड़ियां लेके या दारू पी के गाड़ी चलाना या हुड़दंग मचाना, इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो वो चीज़ ना हो, हम पब्लिक से सहयोग चाहते हैं। सार्वजनिक जगह पर बड़ी स्क्रीन लगाने के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं ताकि मैच का मजा उठा सके। जब स्क्रीन लगा दिए जाते हैं और बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, लैंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पे बनानी पड़ती है, तो इसके लिए जब तक हमें पता नहीं होगा कि किन लोगों ने वहाँ पे स्क्रीन लगाई है, हम स्क्रीन लगाने को मना नहीं है, लेकिन उसकी परमिशन ले लें ताकि हम वहाँ पे उसको व्यवस्थित कर सकें और अपनी ड्यूटी लगा दें। तीसरा, जो म्यूज़िक है उसको साउंड में बजाने पे पाबंदी है, उसके कोई लिमिट है, तो उस पे भी कोई उस चीज़ को ना करे, और ऐसे ही पटाखों के ऊपर भी है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के नियम है, धारा 144 लगी हुई है, उसको फॉलो करें और जश्न मनाएं। चंडीगढ़ पुलिस आप सबके साथ है। देखिए, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। हमने अपनी टीमों को मुस्तैद किया है और हमारे SHOs इलाके के लोगों के साथ मिल के जो जो स्क्रीन लगाएंगे, यहाँ पे जो व्यवस्था होगी उस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने भारतीय क्रिकेट टीम और चंडीगढ़ के लोगों को वर्ल्ड कप फाइनल मैच की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही बताया कि शनिवार और रविवार के दिन भी जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय खुला रहेगा। जो लोग अनुमति के लिए आवेदन करेंगे उन्हें रविवार को अनुमति दे दी जाएगी। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार।